हां जी कीमें जी सारे सत श्री अकाल नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले भाई जय श्री राम सबको। और अभी मैं हूँ अयोध्या में और किस लिए आया हूँ टाइटल से समझ गए होंगे। आज मैं आपको दिखाने आया भाई अयोध्या जंक्शन का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है भाई, भव्य रेलवे स्टेशन बहुत तगड़ा बना रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूँ मैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। वो देखो दूर से वहां से शुरुआत होकर पूरा रेलवे स्टेशन है। गेट नंबर 13, बहुत गेट्स हैं इसके, 13, 12, 11, 10, 9 काफी सारे गेट्स हैं इसके। आपको मैंने सोचा एक बार यहाँ से व्यू दिखाया जाए, ट्राई करेंगे। अभी परमिशन नहीं, अभी काम चल रहा है, 90% ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। अभी भी काम अंदर भी चल रहा है, बाहर बहुत सारा चल रहा है। उस साइड पे दूसरी साइड पे पार्किंग बनेगी, वहां पर मैं आपको दिखाया था बाहर जाके। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। कह रहे हैं आएंगे 2-3 महीनों में, जैसे काम कंप्लीट होते हैं वैसे ही हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी दोनों आकर उद्घाटन करेंगे। काफी बढ़िया, तब भी आएंगे, बट सोचा एक बार आपको अपडेट दी जाए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो भाई इस चीज को मिस ना करना, दर्शन करके आएंगे। सबसे पहले दर्शन करेंगे, एक बार वहां भी चल के दिखा देता हूँ, फिर वापस रेलवे स्टेशन आके आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ। हनुमानगढ़ी में आ गए, पीछे देख लो, यहाँ से चढ़ना ऊपर कितनी सीढ़ियां है, 80 समथिंग सीढ़ियां है। तो यहाँ पर प्रसाद देखते हैं कहाँ पर लेंगे, उसके बाद ऊपर चलेंगे। यार बंदर बहुत है, डर बहुत है। मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब आप एक बार दर्शन कर लो। चलिए भाई चलते, बहुत सुंदर दर्शन आज। और भाई कलयुग के राजा हनुमान है, मतलब अगर अयोध्या आते हो आप तो यहाँ पे दर्शन करना, मतलब हाजिरी लगाना जरूरी है। और पहले ना, और ऐसा कहा जाता है कि सीता जी, हनुमान जी ने सीता जी से एक जगह मांगी थी कि हम कहाँ विराजमान हो, सीता जी ने उनको यहाँ विराजमान किया था। ऐसा कहा जाता है वो यहाँ से पूरे यूनिवर्स पर नजर रखते हैं। क्या बात है। तो भाई ये स्टेशन का बाहर का एरिया देख लो, ये पुराना रेलवे स्टेशन है अयोध्या जंक्शन, और ये नया रेलवे स्टेशन है। और यहाँ वीडियो अभी बनाने को बोलते हैं, बट कोई नहीं, भैया भी कुछ कह नहीं रहे तो फटाफट बना लेते हैं। गौरव जी साथ में आए, गौरव जी एक बार थोड़ा बताइए यार। देखो ये है अपना नया वाला स्टेशन जिसको रीडेवलप करके बनाया जा रहा है। बाजू में अपने पुराना वाला स्टेशन है अयोध्या जंक्शन, और यहाँ पे देखिए आप लोग चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं। बड़ी सी क्रेन देखिए आप, इतनी बड़ी क्रेन यहाँ पे नजर आ रही होगी, वो देखो सामने यार। भाई दिन रात काम, रात में तो नहीं, आज शाम तक काम चलता है यहाँ पे। और यहाँ पे पत्थर वगैरह बाहर से आए हुए हैं, उनकी कटाई वगैरह होती है। और क्या बात है, 90% काम हो चुका है, 90% हो चुके। वैसे मैं बता दूं अभी दिन में है, शाम में गौरव जी जा चुके हैं ऑलरेडी, इनके चैनल पे वीडियो ऑलरेडी लाइव है। बट गौरव जी से हम थोड़ा सा शेयरिंग करके आपको एक बार अंदर का दिखा देते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर करके आपको अंदर का थोड़ा सा दिखा देंगे भी क्या क्या चीजें बनी है। बाकी उद्घाटन के टाइम पे हम आएंगे। ये पुराना रेलवे स्टेशन है अयोध्या जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर पीछे देखेंगे ना, उस साइड पे मंदिर की पूरी आकृति बन रही है, मतलब मंदिर की शेप में बनाया जा रहा है रेलवे स्टेशन। और गाड़ियाँ इधर से गाड़ियाँ एंटर होंगी और वहां तक छोड़ के आप वहां से निकल जाएंगे, है ना गौरव जी। जैसे एयरपोर्ट में होता है ना, आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ कोई। हाँ जी, जैसा एयरपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा बड़ा सा हॉल रहता है, कार वगैरह आती है अपना डिपार्चर पे छोड़ के फिर चली जाती है आगे से, उसी तरह से बनाया जा रहा है। इसको मेन रोड से कनेक्ट कर देंगे भाई। ओके, बहुत जबरदस्त बन रहा है, बहुत जबरदस्त यार। बाकी यहाँ पर बंदर देखो कितने ज्यादा है यार, बंदर बहुत है, बहुत बंदर, अंदर भी बहुत बंदर है, रात में गए थे यहाँ पे सारे सोते हैं अंदर, बंदर एकदम बहुत बढ़िया बना हुआ। तो चलिए अंदर आ चुके हैं और अंदर से ऐसा कुछ दिखता है। अब आपको मैं एक बार अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ। अगर आप सामने उस साइड चले जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा लेडीज वेटिंग रूम, वॉशरूम्स, पानी की फैसिलिटी, सब कुछ आपको नीचे फ्लोर पे मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर। सामने चले जाएंगे तो आपको लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों सुविधा उपलब्ध है इधर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें है एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, और दूसरी साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई है उस साइड पे, और वो देखो वो फैन लगे हुए हैं, मतलब जगह जगह पे बड़े बड़े फैंस भी लगाए हुए हैं, तो गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली गर्मियों में भी आपको। चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अपर क्लास का वेटिंग रूम बना हुआ है और बाहर भी चेयर्स लगी हुई हैं, अगर आपको वेट करना है तो यहाँ पर नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर आप वेट कर सकते हैं। और एक बार यहाँ से आपको दिखा देते हैं अंदर, जैसे देखेंगे ना तो अभी ये बंद है, बट सोफे लगे हुए हैं और पूरा मतलब फर्स्ट क्लास। अगर आपकी टिकट 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में है तो आप आराम से यहाँ पर वेट कर सकते हैं। चलिए आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर आपको रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री, मेल फीमेल दोनों अलग अलग डॉर्मेट्री आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार चलते हैं अंदर, एक्चुअली ये गेट तो ओपन है तो आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। जैसे आप गेट खोलेंगे ना तो लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री सीधा देखने को मिल जाएगा बिल्कुल सामने। और ये जो डॉर्मेट्री है वो है 22 बेड्स का डॉर्मेट्री है, ठीक है। एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ,
और अलग अलग बेड आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। नया ही बन रहा है तो साफ़ सुथरा तो होगा ही, बट इसे प्लीज़ मेंटेन रखना साफ़ सुथरा। और इसका जो प्राइस है ना वो अभी कंफर्म नहीं है हमें, जैसे ही होगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और जैसे ही आप सीधा जाएंगे तो आपको ये एसी रिटायरिंग रूम, जी हाँ, इसके बगल में ही आपको एसी रिटायरिंग रूम भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से ये भी लॉक है, एक बार आपको यहीं से दिखा देते हैं, सोफ़ा लगा हुआ और काफ़ी मतलब अच्छा बना हुआ है। तो चलिए अब एस्केलेटर से चलते हैं, एक्चुअली तो बंद है बट एस्केलेटर से सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको यहाँ पर फूड प्लाजा देखने को मिलेगा। इधर मुड़ते ही आपको बगल में ये देखिए फूड प्लाजा है यहाँ पर, और फूड प्लाजा में आपको सिर्फ वेज ऑप्शंस मिलेंगे आने वाले टाइम में। जैसे ही उद्घाटन होगा उसके बाद आपको सिर्फ वेज ऑप्शंस मिलेंगे। देख लो अभी यहाँ पर चल रहा है काम जोरों शोरों से, इधर पार्किंग बने हुए, इधर भी गेट है, गेट नंबर 14, ठीक है ना। तो इधर से आप आएंगे पार्किंग में भी जा सकते हैं, ये देखो पूरा पार्किंग का काम चल रहा है। ये था नया रेलवे स्टेशन का लुक, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।